साथियों, सभी जींद के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। और नवरात्रों को भी आप लोगों को सबको शुभकामनाएं, माता रानी बुलाकर सबका। साथियों, आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले की बात है, दादा दुलीचंद 102 साल, उसको मुर्दा घोषित कर दिया था और उसको जिंदा दिखने के लिए बरात निकालनी पड़ी थी अपनी। और उसे बरात निकालने के बाद और सैकड़ों लोग ऐसे निकले थे कि हम भी जिंदा हैं लेकिन मुर्दा दिखा रखे, और पेंशन काट दी। तो फिर एक बरात मुख्यमंत्री के घर लेके गए थे हम चंडीगढ़। तो उसके बाद उनकी तो पेंशन बन गई थी। और वहां से एक उसके बाद पूरे जिलों में एक कैंपेन शुरू करी थी सरकार ने, नंबर दिए थे अधिकारियों को, बोला था। तो लोगों की जिसकी भी गड़बड़ जितनी भी हो रही थी, तो एक तो पहले तो मैं ये बता दूं वो किधर है, नंबर है पहला, इसने नोट कर लियो। ये प्रचार करना चाहिए सरकार को, इनकी पार्टी को, लेकिन मैं कर रहा हूं, देखो मुख्यमंत्री का कितना बढ़िया फोटो ला रखा है, इतना बढ़िया फोटो ला रखा है। और जिला जींद का पेंशन बनवाने के लिए ये नंबर है 95-88-338-431। दोबारा रिपीट करूं, 95-88-338-431, यो सरकार का नंबर है, मेरा नहीं है। अब कोई भी जींदाड़ा जाओ डीसी ऑफिस में जहां पे पेंशन बना है, वहीं पर फोन मिलाओ और जाओ। 30 तारीख की उनने डेट दे रखी थी, आज 30 तारीख है। तो एक तो हम ये कहें, इस 30 तारीख ने दिवाली तक बढ़ा इस डेट ने मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि जिस तरह के नंबर निकल के आ रहे हैं लोगों के, बहुत ज्यादा लोग इस तरह के आ रहे हैं जिनकी गड़बड़, वो डाटा मैं आपको अभी दूंगा। और हम चाहते हैं दिवाली तक एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग की पेंशन, जो भी संबंधित समस्या है, सारियां का समाधान कर दिए ना, दिवाली काली करेंगे। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं हरियाणा के, तो उनको ये दिवाली का गिफ्ट दे दियो। हम मुख्यमंत्री ने मिठाई भेजेंगे बढ़िया बढ़िया, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की जो भी बढ़िया बढ़िया मिठाई होंगी, जलेबी होंगी, लड्डू होंगे, सारे भेजेंगे। अरे ना, मुख्यमंत्री ने एक बटोड़ा गोसे भेजूंगा, एक बटोड़ा घर पर। तो क्योंकि बात है बुजुर्गों के सम्मान की, ताऊ देवीलाल ने शुरू करी थी, तो यो नंबर नोट कर लो। इस पे नहीं बढ़ती हो तो फिर यो नंबर है भाई, जींद जिले वालों सुन लियो, 70-27-811-811 सरकार के फूफा का नंबर है और मारे दादा का नंबर है, इस पर फोन करो, फिर पेंशन हम बनवावेंगे। अगर किसी की पेंशन संबंधित कोई समस्या आवे है तो भाई साहब, पूरे हरियाणा के अंदर अब जो डाटा मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनियो, इसने 1,75,298 नोट करियो, इसने पूरे हरियाणा के अंदर पेंशन काटी गई है पीपीपी के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम पर, अकेले पीपीपी के नाम पर काटी गई 1,04,655। रजिस्ट्रार ऑफिस होएगी निगाह गुड़े तो वेरीफाई आ रहा, 70,643 काट दी। तो चार लोगों को दिखा रहा क्या, आप तो सरकारी कर्मचारी थे, उससे रिटायरमेंट हो रहे हो, सरकार तो पेंशन ले रहे हो, एक भी आदमी नहीं। 2,044 बेटियों को लाडली भत्ता मिल रहा था, वो रोक दिया। अभी मैं गोवाना अभी वहां पे ऐसे ही कर रहा था, तो देख के बेचारी कैंसर पेशेंट एक महिला आई, 1 साल हो गया उस चला नहीं जा सकता, उसने 2 आदमी ठाक लाए, कैंसर पेशेंट है और उसकी पेंशन काट दी जो उनको मिलती थी, उसका पति मजदूरी करता है। तो ये डाटा तो एक हो गया, यो एक डाटा है, करीब 2 लाख बुजुर्ग पूरे हरियाणा के अंदर 60 साल तो ऊपर हो लिए, सरकार ने कही थी अगर 60 साल का होते हैं ऑटोमेटिक नु कट्टा का उठेगा, मैंने सुनी थी बात, मुख्यमंत्री भी कह रहा था, खट्टर साहब बोला 60 साल का होते नु एकदम कटाका उठेगा अकाउंट में, उप मुख्यमंत्री तो सुरेंद्र चौटाला था कह रहा घटाका उठेगा, झटाका उठेगा, मेरा ना के उठेगा।
2 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं, 2 लाख हरियाणा में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुन ले, 2 लाख है जो 60 तो ऊपर गए होलियर, उनकी पेंशन नहीं बन रही। तो हम ये कह रहे हैं जो जिंदा मुर्दे अकेले, मेरे को ऐसा लगता है भाई साहब, ये मुर्दा ये सरकार, मुर्दा ये सिस्टम और मुर्दा ये विपक्ष है और कुछ नहीं। ये तो जिंदा है 102 साल का, ने जब रोड पर उतरना पड़ा, सोच के देखो आप। आप और हम भी अड़कस मान जाए यार, चल रहे ना, चल रहे जाओ ना जाओ। हरियाणा में बुजुर्गों की ये स्थिति है, और बूढ़ा था खट्टर साहब ने भी होना हो रहा है, बूढ़ा था और की जवान थोड़ी है, पर हम तेनों कहे खट्टर साहब 200 साल जीव है, और जब उसने न्यू बेरा बांटा कि एक बुजुर्ग जो बूढ़ा हो जा है उसके साथ फिर के बना है। तो ये जो पेंशन का मामला, दिवाली तक सारा मामला ठीक कर दिए हम, ये मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। अरना हरियाणा में गोशाएं की कोई कमी नहीं है, इतने गोशे भेज देंगे, इतने गोशे भेज देंगे, समझ में नहीं आवेगी। ये सीआईडी वाले भाई बता दियो मुख्यमंत्री ने, अब गोशे आवेंगे गोशे, और हमने जो कह दी हम वो करा करेंगे, आप लोगों को पता होगा। गोशा का टम्पू ट्रक जो भी होगा ना, कति मुख्यमंत्री के घर के आग गए तारेंगे, इसलिए अपनी सिक्योरिटी पहले ही अपना देख लियो, टेम्पो ट्रक का ना चेक कर लियो पहले ही। ये हम मुख्यमंत्री को टाइम दे रहे हैं, टोटल क्योंकि 1 मिनट सर, 1 मिनट, तो सवाल ये हो रहा है, एक फेरे शेड्यूल जारी हो रहा है, मुख्यमंत्री बोला सरकार को कह रहे हैं, प्रशासन को कह रहे हैं कि भाई जींद का नंबर बता दिया हमने ना, तो सरकार के फूफा का नंबर है, और दिवाली तक का ये समय है, और हम सरकार को यही कह रहे हैं कि दिवाली तक सबकी दिवाली मन जावे बड़े बूढ़े की, इसलिए ये मान सम्मान की बात है। और कोई सवाल होता आपका बता। मंशा क्या नजर आ रही है सरकार ऐसे, क्यों पीड़ा दे रही है लोगों को, क्यों टोटल कितनी कटी है मतलब सारी? ये करीब टोटल 5 लाख बुजुर्ग हैं इससे प्रभावित। 5 लाख का बुजुर्ग का मतलब क्या है, ये बाप का दादा जीवता हो मेरा दादा है, तो एक बुजुर्ग का मतलब 20 आदमी है कम से कम। 1 करोड़ लोग डायरेक्ट प्रभावित हैं इससे, इस पूरे मामले से। और सरकार की मंशा मेरे समझ में नहीं आ रही भाई, सरकार या तो टेस्ट ले रही है लोगों का और तक ये उसके है, या सरकार जो रुपये को ना वे उल्टा सुल्टा करके उसने काट दो, या उसके है भाई। अगर सरकार के पास रुपये ना हो तो वो कटोरा ठाल की प्रॉब्लम, मुख्यमंत्री एक बात कह दे भाई पैसे नहीं है देना, तो फिर तो आदमी ने सोचा भाई चलो ये सरकार द्वारा रुपये को ना तो क्या करे। लेकिन हमारा ये मानना है आज सरकार जो भी कुछ करे इस पर त्वरित कर, ये नहीं चला टेक्निकल था, ये कहे हैं ये जो बात कर रहे हैं बोला टेक्निकल है कुछ गड़बड़। अरे टेक्निकल है तो 20 साल चल रही है टेक्निकल थारी, टाइम दो 15 दिन 20 दिन महीने का, टेक्निकल खत्म करो, एक एक साल घुमाओगे लोगों ने टेक्निकल के चक्कर में। जिसका कैंसर हो रहा है मतलब वो टेक्निकल के चक्कर में कैंसर वाले के, मतलब वो दवाई भी नहीं आ सके बेचारे की, के टेक्निकल है 90 साल का 95 साल का बूढ़ा टेक्निकल है, बोला टेक्निकल तो किसी एमएलए की कट्टी है, इस पीपीपी मॉडल तो है, किसी एमपी की कट्टी हो, किसी डीसी की, एसपी की, किसी और किसी की कट्टी हो बताओ। और सर मैं तो सही में ये मान ला, अगर मुख्यमंत्री चाहते, मुख्यमंत्री एमएलए एमपी जो भी है तनख्वाह रोक दे इनकी, तो 2 महीने की इतना तो कष्ट है, 2 एक्स एमएलए हैं उनकी काट दे भाई, उनकी रोक दे। मेरा तो ये मानना मुख्यमंत्री अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी, हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद करेंगे। अगर मुख्यमंत्री ये कह मैं नहीं लूंगा भाई, जब तक तनख्वाह, जब तक सारे बुजुर्ग और विधवा बुढ़ापे पेंशन और विकलांग आई पेंशन नहीं बन जाती, और ना मेरे एमएलए लेंगे, क्योंकि समस्या ये हो रही है विपक्ष हमें बेरा ना क्यों डरा रखे हुए भी मुर्दे हैं। जो एमएलए समझिए बात, जो सरकार का एमएलए है उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के काम कराओ, सेवा करे, और जो विपक्ष का है या जो उड़े का हार गया तो उसका काम है लोगों की आवाज उठावे। अरे जब हम मैं कोशिश कर रहे हैं, हम तो 4 आदमी है, मेरी गला तो 4 है, पांचवा मैं हूं, हम तो 5 आदमी है, जब हम एक आवाज उठा सके हैं तो इनके पास इतने इतने वोट दे रखी लोगों ने, इतने इतने एमएलए रहे किसा, तो इतने गृह मंत्री यहां फूकेगा, कृषि मंत्री क्यों फूकेंगे, रावण ने पेंशन बंद कर रखी है किसा जी, रावण ने पेंशन काट दी है। अगर रावण ने फूके, रावण ने वो फूको जिसका चरित्र राम जी सा हो, ये चोर चक्के लुच्चे लफंगे रावण का ना हाथ लावे, कोई फायदा नहीं है इस चीज का।
रावण तो यार योद्धा था, राम के ना लड़ लिया अपनी बाण के मान सम्मान के लिए। रावण तो सारे वेद शास्त्र का ज्ञाता था। दसवीं फैले शिक्षा मंत्री नु कहे अग मैं रावण ने फूकूंगा, क्या मतलब होया? ते मैं कहूं लोग स्कूला मास्टर नहीं है, शिक्षा मंत्री का फूको? किसान के फसल डूब रही है, उनका मुआवजा नहीं मिल रहा, कृषि मंत्री का फूको? किसान सड़क सारी जिंदगी खराब हो रही है, तो सड़क मंत्री आप फूको ना जींद वाले हो? रावण ने थारी सड़क तोड़ रखी है, ये बताओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, तो स्वास्थ्य मंत्री आप फूको? विद साहब का फूको? बढ़िया पुतला बनवाओ। रावण ने डॉक्टर ने हटा रखी है, रावण डॉक्टर का दोषी है। रावण ने क्या कर दिया? तो जो भी जिस भी फील्ड का है, कानून व्यवस्था खराब है, रावण ने कर रखी है। महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों के साथ, रावण ने कर रखी है। क्या गड़बड़ है? जिसका जिससे कनेक्ट मामला है, हम ये सब से कहेंगे अकुन का पुतला फूको, रावण ने कुछ नहीं बिगाड़ रखा। और राम जी का चरित्र हो तो फूक लो भाई अपने ये भीतर, मैं देखो पहले इस बात ने किसा है किसा नहीं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार से, यो जो पेंशन का इशू है, और इस पेंशन के इशू को मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द अगर ठीक कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो इस पर बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। और हम यह भी बात कहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, अच्छा एक सरपंच का चुनाव डिक्लेयर तो रहने बका रहे गणे दिन, तुम्हें जितने भी सरपंच का चुनाव लड़नी है जिला परिषद वाले, मैंने कहूँ ये सरकार का फूको पुतला भाई, तुम राउंड रोक रहा थारा सरपंच का चुनाव है, कौन रोक रहा है? और उनको ये भी कहूं भाई, ये जितने बुढ़े बुढ़िया हैं गामा में हैं घर घर हैं, इनकी पेंशन बनवाओ, धर्म भी होगा, वोट भी पर नहीं थारी। और जितनी भी ये पार्टी हैं इन तब भी कहे हैं ये उठाए झंडे डंडे ठाए हांडे जहाँ हैं, जो समस्या उनके ऊपर क्यों ना बात करते हैं भाई, उस चीज को उठाओ। तो हम तो यही कह रहे हैं जी, सब तैयार अपील है आगे भाई, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको, और सरकार के बतेरे प्रोग्राम में घर घर बुलाई हो, घर घर यो क्यों हंड है भाई, धक्के खाते घर घर जाकर क्यों ना पता करते किसकी पेंशन कट रही है, घर जाकर बनाओ ना, क्या समस्या है? 141 लोगों को मुर्दा घोषित कर रखे पूरे हरियाणा में, ये सीआईडी वाले आए भाई आ रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दियो आप लोग। अब ये जो पेंशन काट रखी है ये डाटा है, अरे दिवाली तक इनने बना दिए 18,551 विधवाओं को शादीशुदा दिखा रखा है। जींद में भी ऐसे बहुत गणे केस हैं, 18,581 जो विधवा हैं उनको शादीशुदा दिखा रखा है। आप सोच सको हो, एक महिला विधवा हो चुकी है यार, जब वो ऑफिस में जावे है तो उसका नुगेतरा पति तो जिंदा है, और ये कह के उसकी पेंशन काट दी। 34,703 लोगों को उनकी इनकम दिखा रखी है, अखथारी तो 2,00,000 से ज्यादा उनकी इनकम 50,000 भी होना, उनको दिखा रखा है थारी तो इनकम 2,00,000 से ज्यादा। मेरे को ये इनकम वाला सिस्टम समझ में नहीं आया, ये ताऊ देवीलाल ने सम्मान राशि जारी करी थी, आपकी पत्नी की कितनी इनकम है, पति की बेटों की इनकम से क्या लेना देना है? बतेरे से कैसे अनाथ आश्रम में बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े बिजनेसमैन ना यम्मा बाबू पड़े हैं, के काम की है उसकी इनकम? तो ये जो इनकम का क्राइटेरिया ये बिल्कुल बकवास है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले अब नोट खा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा पेंशन पे, देख गजब की बात है। नुगे बोला हम ताऊ देवीलाल की विरासत है, ताऊ देवीलाल की क्या विरासत रही है? एक तो सरकार में बैठा जो विपक्ष में बोल रहे हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ताऊ देवीलाल स्वर्ग में बैठे बैठे उसकी आत्मा दुख पा रही है, वह न्यू पा रही है कि इतने हजारों बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, जो सम्मान राशि जो पॉलिसी ताऊ देवीलाल ने क्या ऐतिहासिक पॉलिसी बनाई थी। मेरे को तो ऐसा लगा दुष्यंत चौटाला साहब को रिजाइन दे देना चाहिए भाई साहब इस मामले पे, छोटा मामला ना है यो जो मैं डाटा आपको बता रहा हूं। फिर अगला आ जाओ, 33,616 लोगों को रिटायर्ड फौजी दिखा रखा है, अरनू का अगर पेंशन काट दी, अक्तम तो रिटायर्ड फौजी हो, उड़े तो लोग, उनका फौज से कोई लेना देना।
4500 विकलांग हैं जो उनकी पेंशन काट दी। अब तुम तो फिट हो, वे अपने विकलांग के प्रमाण पत्र लेकर घूमने लाग रहे हैं, लेकिन नुगा ना ना तुम तो फिट हो रहे, अरे कोड में रहे फिट। ये हर डिस्ट्रिक्ट पे रिकॉर्ड होता है, तो वे जो पेंशन बनाने वाले हैं वो रिकॉर्ड क्यों ना देखते उठे, तो वेरीफाई क्यों ना करते। सीएमओ ने बना रखे किसको डिसेबल का, किस किस के पास सर्टिफिकेट है, लेकिन चक्कर कटाने यो काम क्यों ना करते भाई, अपने कार्यकर्ताओं क्यों ना कहते लोग निकाल निकाल के बाहर ला और जिनकी पेंशन नहीं बन रही, ये बेरा ने क्यों डरा रखे हैं। ये जो अभी आपने आंकड़ा बताया कि इतने विधवा को विवाहित कर, इसका सोर्स क्या है? सोर्स है जो सोर्स है जो मैं बताने लग रहा, मैंने कह दी तो सोर्स है, न्यू मान लियो कति। अरे तो आज की एक रिपोर्ट भी आई है, आपने देखी हुई, सिरसा में वेरीफाई करा हमने, सिरसा में मेरे ख्याल में 900 कितने तो हुए एक लिए सिरसा, सिरसा में थे, मैंने तो आपको 14,000 बताए टोटल, हर जगह का ये हो रहा है। फैमिली आईडी के नाम पे, पीपीपी के नाम पे, जो भी कुछ इन लोगों की ऐसी तैसी कर रखी है, हम ये करें इस चीज ने तुरंत सरकार। और पक्का आयो कम बताऊ हूं मैं, सह फालतू हो। और कोई सवाल जवाब हो तो बता दियो जी, बहुत हो गए। शोकेस हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। ए? और वो ए कमेंटर, वो जरूर करे अगर कोई कमी पेशी लागत है।